हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो कार्ड रीडिंग। और ये कंटिन्यूएशन है मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है उसका, जिसमें कि मैं ये पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ उन लेडीज के लिए जो डाइवोर्स का पेपर जिनके हस्बैंड ने उन्हें भेजा है और वो अपने मदर के पास है, अभी पेरेंटल हाउस में है, तो उनके लिए ये रीडिंग है। तो मैं यहाँ पहुंच गई थी, अचानक से फोन में वो कुछ हुआ और बंद हो गया, तो अभी चार्ज नहीं था इसलिए तो मैंने चार्जिंग पे लगाया है और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो ये है कि जब आपकी शादी हुई आप खुश थे, सब कुछ अच्छा था, फिर यहाँ पे इन लॉज का इंटरफेरेंस होना शुरू हुआ। उन्होंने ये आपके हस्बैंड को बातें आपके खिलाफ बोलनी शुरू कर दी। यहाँ पे फिर आपके हस्बैंड का एक दूसरा चेहरा आपके सामने आया और वो घर छोड़ के चले गए, या फिर आपको ऐसा कंडीशन बना दी कि आपको अपने पेरेंट्स के पास आना पड़ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आ गई ईगो प्रॉब्लम। जब आप पेरेंट्स के पास आई, उन्होंने डाइवोर्स भेजा, यहाँ ईगो प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती जा रही हैं आपस में, और इस बात से आप बहुत परेशान हैं। आप बैठी हैं सोच रही हैं मैं क्या करूं, तो आपको क्या कर रहा है इसके लिए मुझे अब कार्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके इसमें आगे का अगला स्टेप अभी आया नहीं है। सो लॉस्टर ऑफ नॉस्टर एमिस प्लीज टेल मी व्हाट स्टेप शुड शी टेक, व्हाट स्टेप शुड शी टेक नाउ। ओके, ये दो कार्ड्स निकले हैं, तो इसमें आप देखें तो ये आपकी मदर इन लॉ है, ठीक है, ये आपकी मदर इन लॉ है यहाँ पे, और ये आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके पापा, आपके मदर, जो भी आपके गार्जियन है, और ये आपकी मदर इन लॉ है। इनमें दोनों ही पिक्चर्स में आप देखिए कितना अंतर है, जैसा कि मतलब जैसे ये रियल में होते हैं ना ये लोग, वो अंतर है। आप इस लेडी को अगर देखें तो ये एक ग्रीडी सेल्फिश लेडी है, और यहाँ पे आप है, ये देखिए इनकी सर, इनकी खातिरदारी में आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग कभी खुश नहीं होते। यहाँ भी आप इनकी खातिरदारी कर रही है, ये दो लड़कियां देखी है आप, और आपकी हो सकता है आपकी जेठानी हो, देवरानी, जो भी हो, और ये यहाँ पे बीच में बैठी हुई है रानी की तरह, सेल्फिश, लालची, लालची औरत है ये, सेल्फिश है। और यहीं पे आपके पिता के लिए जो कार्ड आया है, आप देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, कितना एकदम देख के ही कितनी पॉजिटिविटी आ रही है। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, मतलब ये आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कितनी नकारात्मक ऊर्जा है। तो ये दोनों जो है, अब आपको क्या करना है, आप यहाँ बैठी हैं, आप सोच रही हैं कि क्या करना है, तो आपकी जो रीडिंग है इसमें मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स को इससे बात करनी चाहिए। ये जो लेडी है, जो भी आपके इनलॉज में है, लेडी है, कोई आपके ससुर हैं, सास है, या आपकी जेठानी है, जो भी हैं, उनसे बात करनी चाहिए आपके पेरेंट्स को, दैट्स इट। ये चीज मुझे यहाँ पे समझ आ रही है, आपस में बैठ के डिस्कस करना चाहिए और बात करनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप ये जो पर्सन यहाँ पे हैं, ये कोर्ट का भी पर्सन हो सकता है, और यहाँ पे इसके पास बुक्स हैं, और ये कोर्ट केस को आपको आगे बढ़ते रहने देना चाहिए। आपका सेकंड स्टेप होगा, पहले आप क्या करेंगे कि आप ये दोनों अगर आपस से बात करते हैं, आप बात ना करें, इनको बात करने दें, अगर ये लोग ठीक से बात करते हैं, और कोई वैसे मुझे लगता नहीं है कुछ इसका सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रीडी औरत है, और यहाँ आपके पेरेंट्स अगर हैं तो बहुत शांत और प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपनी शर्तें रखेगी। और आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप खुश नहीं है, आप अपने हस्बैंड को बेशक मिस कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या आपके हस्बैंड आपके अकॉर्डिंग चलेंगे कि इनके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपके पेरेंट्स को इनसे पहला स्टेप होगा बात करना है, और अगर बात नहीं बनी तो चलने दीजिए केस को, किताबें यहाँ खुल रही हैं, कोर्ट केस होगा, यहाँ पे जजमेंट होगा, होने दीजिए, मत टेंशन लीजिए, मत होइए परेशान, क्योंकि जो औरत ये चीज समझ ही नहीं रही है, बीच के सॉल्यूशन पे नहीं निकलेगी, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा केस को आगे बढ़ते रहने देना चाहिए। और ये जो आपके जो भी वकील हैं, जो भी कोर्ट में जो पर्सन ब्लैक ड्रेस देख रहे हैं आप, इनको आगे केस चलाने दीजिए, ठीक है। अगर ये नहीं मानी, बातचीत से नहीं मानी, तो आपको कोर्ट केस चलने दो, ठीक है, डोंट स्टेप आउट, एक कोशिश कर लो, बट मुझे लगता नहीं है मानेंगी, जितना जैसा इनका जो स्वभाव मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता। एक दो चीजें ये हैं, तीसरी चीज ये हो सकती है कि यदि ये नहीं मानती हैं और ये अड़ी हुई हैं, तो आप यहाँ पे उदास मत होइए, आप अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश करिए, आपके हस्बैंड से मिल करके बात करिए कि क्या वो रेडी हैं कि सेपरेट रह सकें। अगर आपकी नहीं बन रही है, क्योंकि देखिए आप भी तो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आए हो ना, आप भी अपने माता पिता को छोड़ के आई हो, तो क्या वो आपका रिश्ता बचाने के लिए माता पिता को छोड़ के अलग नहीं रह सकते हैं? इसमें गलत कुछ नहीं है, अगर नहीं बात बन रही है, आपको इतना टॉर्चर हो रहा है, तो अलग रह सकते हैं, या तो ठीक से रहो, और अगर बातें नहीं बन रही हैं, तो आप पूरी लाइफ ये टॉर्चर थोड़ी सा होगी। आप देखिए आप क्या आपकी कंडीशन बना दी इन लोगों ने, और जब आप शादी करके आई थी आप कितनी खुश थी, सन कार्ड है, यू आर सो हैप्पी, लेकिन क्या हुआ, आज आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है,
तो या तो बात करो, बातचीत से सुलझेगा तो ठीक है, नहीं सुलझेगा तो कोर्ट केस होने दो। और कोर्ट केस अगर आप नहीं चाहते हो तो आप अपने हस्बैंड को बुलाओ। ये आपके हस्बैंड है जो डर रहे हैं अपनी मदर से, यहाँ पे जो डरते हैं अपनी मदर से, या जो भी पर्सन है घर में उन लोगों की बातों से, टॉन्ट से डरते हैं, जो भी है, जो इंसान आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, आप खुद सोचिए कैसे रहेंगी आप उनके साथ। दोनों ही 8 नंबर कार्ड है, 8 8। कभी कभी हो सकता है कि मैं ये न्यूमेरिकल्स में ना थोड़ा सा गड़बड़ बोल दूं, तो प्लीज आप उसके लिए मुझे फॉरगिव करना, कभी कभी ये नंबर्स हो जाते हैं मेरे से, ठीक है। तो ये दोनों ही 8 नंबर है कार्ड्स, आप ही दोनों हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, और आप दोनों का थोड़ा सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आपके हस्बैंड आपको अगर चाहते हैं तो उन्हें स्टेप लेना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ के बात करनी पड़ेगी। अगर वो हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो ही विल हैव टू कम फॉरवर्ड, ही विल हैव टू टेक डिसीजंस, एंड ही विल हैव टू यू नो, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसको इनको आगे लेके चलना चाहिए, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जहां रिस्पेक्ट है वहां रहो, अगर रिस्पेक्ट नहीं है मत रहो वहां पे, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपका यही है कि आप बात करें अपने हस्बैंड से, बात करें पहले तो बड़े लोग बात करें आपस में। अगर उन लोगों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो आप अपने हस्बैंड से बात करें, और अगर हस्बैंड भी नहीं मान रहे हैं तो लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और इसका जो पार्ट वन है वो भी अपलोड कर दिया है मैंने, और ये पार्ट टू है, तो आप दोनों को देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड स्टे स्ट्रांग, ऑल दोज लेडीज स्टे स्ट्रांग, ओके, टेक केयर, बाय नाउ।